आओ, ऐसे ही थोड़े ना क्वालिटी मिल जा रहा है इतने कम सब्सक्राइबर पे, आ जाओ। हाँ, चैप्टर आज ख़त्म है, बहुत दिनों बाद। कहाँ गया? आ जाओ, देखो हेडिंग डालो, रेन मैन प्रॉब्लम। नहीं नहीं प्लेन विंड प्रॉब्लम डालो, प्लेन विंड प्रॉब्लम। देखो अब सब एक जैसा है, जैसे वो पढ़े हो वैसे ये पढ़े हो, जहाँ वहाँ वहाँ पे पानी का फ्लो था, यहाँ पे विंड का फ्लो आएगा, बस और कुछ नहीं है, समझ गए? देखो तो छोड़ दे क्या प्लेन विंड प्रॉब्लम, प्लेन विंड प्रॉब्लम। देखो जैसे वहाँ पानी था वैसे यहाँ पे विंड है, बस और कुछ नहीं है। वहाँ पे क्या लिखते थे? वहाँ पे वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, यही लिखते थे कि वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रिस्पेक्ट टू बोट, ठीक है? तो यहाँ पे भी यही लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ प्लेन विथ रिस्पेक्ट टू विंड इज वेलोसिटी ऑफ प्लेन माइनस वेलोसिटी ऑफ विंड। देखो देखो यहाँ पे क्या है, प्लेन जिस डायरेक्शन में जाना चाह रहा है वो क्या है? वेलोसिटी ऑफ प्लेन विथ रिस्पेक्ट टू, ठीक है? और जिस डायरेक्शन में प्लेन गया हवा के वजह से, मान ले प्लेन ऐसे जाना चाह रहा है और हवा ऐसे चल रहा है, तो प्लेन ऐसे जाएगा कि ऐसे हो जाएगा? देख विंड ऐसे है, वेलोसिटी ऑफ विंड ऐसे है, प्लेन जाना ऐसे चाह रहा है, तो क्या प्लेन हवा इधर है, प्लेन इधर जाना चाह रहा है, तो किधर जाएगा प्लेन? इधर जाएगा? नहीं जाएगा। अच्छा, यानी कि इधर जाएगा, वेलोसिटी ऑफ प्लेन इधर होगा, कोई दिक्कत वाली बात? अगर मान ले कि प्लेन इसी डायरेक्शन में जाना ही चाहता है, मान लो इसी पे चलना ही है, उसको उधर जाना नहीं है, सीधे चलना है, तो क्या प्लेन सीधे चलेगा कि थोड़ा सा टिल्ट होके चलेगा? थोड़ा सा टिल्ट होके चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात? वो अपना एंगल लहा लेगा कि अगर वहाँ वाला, जैसे वहाँ केस था वैसे यहाँ भी केस है, कि अगर ये वाला इससे ज़्यादा सोच के देख, याद कर हम वहाँ पे बोले थे कि अगर जो अपना बोट स्विमर है या जो बोट मैन है उसकी वेलोसिटी अगर रिवर के वेलोसिटी से ज़्यादा होगी, तो क्या वो ये वाला उस समय मतलब बढ़ा रहेगा, यानी कि इसके वजह से मोशन ज़्यादा होगा, हाँ कि ना? अगर घटा होगा तो दोनों केस बताएं कि नहीं बताएं? उसी तरीके से यहाँ भी होगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? सारा केस बिल्कुल सेम है, क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, एक क्वेश्चन कराएंगे और बाकी जो है क्वेश्चन है वो सारा लगभग लगभग उसी तरह होगा, कुछ खिलवाड़ खेल सकता है क्वेश्चन वाला लिखने में या बोलने में। बात समझ में आ गई? बस ये लिख लो छोटा सा, फिर उसके बाद क्वेश्चन करेंगे, बस हो गया। और क्या है यार, रिलैक्स। बस रिवर मैन प्रॉब्लम में, रिवर मैन बोल रहे हैं, हाँ रिवर बोट प्रॉब्लम में उस पर क्वेश्चन खूब मिलेगा, इस पर भी मिलेगा। देखो एक ही तरीके का क्वेश्चन ही मिलता है इस पर, ज़्यादा खास नहीं मिलता है, मिलेगा तो लाके पूछो, और क्या कर सकते हो? दिखाना मेरा काम है, सॉल्व करना तुम लोग का काम है। देखो क्वेश्चन देखो, सोच लेना पहले फिर कराएंगे। देखो एक स्क्वायर पाथ है, प्लेन अपनी है, ये 5 किलोमीटर है, तो जाहिर सी बात है ये भी 5 किलोमीटर होगा, ये भी 5 किलोमीटर और ये भी, इसमें कोई दिक्कत वाली बात? अच्छा, जो वेलोसिटी ऑफ प्लेन विथ रिस्पेक्ट टू विंड है वो दे रखा है अपने पास 700 किलोमीटर, अरे 400 किलोमीटर पर आवर, और जो विंड की वेलोसिटी है वो अपने पास दे रखी है 300 किलोमीटर पर आवर। तुमको बताना है, ये ए मान लो, बी मान लो, सी मान लो, डी मान लो। ए से जब अगर प्लेन चली फिर ए पे आई वापस, मतलब ए से ऐसे घूम के वापस आई, तो इस पूरे एक चक्कर में कितना टाइम लगा प्लेन को? कितना टाइम लगा प्लेन को? और वेलोसिटी ऑफ विंड की डायरेक्शन भी देख लो, इस तरफ है। अरे डायरेक्शन पता होगी वेलोसिटी ऑफ विंड की, तब तो वेलोसिटी ऑफ विंड की डायरेक्शन इस तरफ है, प्लेन की वेलोसिटी इस तरफ से, ए से चली पूरा घूम के फिर से ए पे आई, टोटल टाइम बताना है, टी टोटल बताना है कितना टाइम लगा फ्रॉम ए टू ए, ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी टू ए, कितना टाइम लगा बता दो। बता दो
क्वेश्चन लिख लो और सोचो, सोच के देखो, बिल्कुल आसान है। तीनों पाथ, चारों पाथ को अलग अलग कर लो। एक बार विंड सपोर्ट कर रही है, एक बार विंड अपोज कर रही है, एक बार विंड थोड़ा सा उधर ढकेल रही है, एक बार विंड थोड़ा सा इधर ढकेल रही है। चारों पाथ को अलग अलग स्टडी करो, फिर खत्म, तो एंजॉय करो। अभी अभी 4 से 5 लेक्चर बचा है डालने को, पुराना जो है। अरे डाल तो रहे हैं डेली, आप कैसे डालें? हिसाब से डालेंगे कि एक ही दिन परोस देंगे सब? फिर आगे निकालो 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 निकालो, करो मेहनत करो। बिल्कुल जैसे रिवर वाला प्रॉब्लम है वैसा ही वे भी है। अरे भैया बता रहे हैं, क्यों चिंता कर रहे हो? आ जाओ आ जाओ, देखो मोहित रिवेल नहीं होना चाहिए, 1,000 रुपये होगा। देखो आओ, देखो देखो, चारों पाथ को अलग अलग तरीके से ट्रेस करेंगे। पहले इस पाथ पे आ जाओ, टाइम फ्रॉम ए टू बी। देखो ये 5 किलोमीटर डिस्टेंस है और टोटल वेलोसिटी प्लेन उस डायरेक्शन में किधर कैसे जा रहा है। देखो वेलोसिटी ऑफ प्लेन जो होगी वो इस समय 700 किलोमीटर पर घंटा होगी। क्या हुआ? कोई दिक्कत नहीं ना है? देखो 400 से ये इसको ले जा रहा है और 300 से ये इसको ले जा रहा है, तो 700 से जा रही है और 5 किलोमीटर जा रही है, तो टाइम फ्रॉम ए टू बी कितना हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन, यानी कि 5 अपॉन 700, यानी कि 1 अपॉन, बोलो कितना हो जाएगा ये? ठीक है आवर। अरे यार पक्का ना? चलो अब देख, अब देख वहां जाना, ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ जाना है। तो आप देखो विंड, देख रुक जाओ रुक जाओ, वेलोसिटी ऑफ विंड इस तरफ है, ठीक है, और प्लेन की वेलोसिटी जो है इस डायरेक्शन में होगी, क्योंकि जाहिर सी बात है कि इधर जाना है। सोच के देख, अगर इस वाले पाथ पे जाना है तो क्या प्लेन को थोड़ा सा किधर चलना होगा? इधर चलना होगा। कोई दिक्कत इसमें? प्लेन को इधर ही तो चलना होगा। अब देख, प्लेन को इधर चलना होगा, यानी कि वेलोसिटी ऑफ, ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ प्लेन विथ रिस्पेक्ट टू विंड, इधर चलना है, लेकिन जा किधर रहा है? इधर जा रहा है, हाँ कि ना? ये वाला एंगल मान लेते हैं थीटा है, क्या है? अब देखो ये वाला एंगल थीटा है, तो वेलोसिटी ऑफ प्लेन विथ रिस्पेक्ट टू विंड, ये वाला, ये क्या हो जाएगा? वी प्लेन कॉस थीटा, क्योंकि अपने को इसी वाले पाथ पे जाना है तो अपने को वेलोसिटी भी यही देखनी होगी। हाँ ना, बोल दो भैया। ठीक है अब अच्छा आ जाओ, ये वाला जो मैग्नीट्यूड है, ये वाला, क्योंकि अब अपने को थीटा देख, एक बार चेक कर लेते हैं निकाल पाएंगे कि नहीं निकाल पाएंगे। ये देखो वेलोसिटी ऑफ प्लेन विथ रिस्पेक्ट टू विंड है, कहाँ गया? प्लेन विथ रिस्पेक्ट टू विंड 400 है, यानी कि ये वाला 400 है। कोई दिक्कत? अच्छा ये वाला 400 है सर। अब देख, जब हम लोग लिखते हैं वेलोसिटी ऑफ प्लेन विथ रिस्पेक्ट टू विंड इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ प्लेन माइनस वेलोसिटी ऑफ, देख वहां पे माइनस वेलोसिटी ऑफ विंड लिख रहे हैं, ऐसे बैठोगे तो नहीं पढ़ा पाएंगे। वहां पे माइनस वेलोसिटी ऑफ विंड लिख रहे हैं, तो जो वेलोसिटी ऑफ विंड इधर लिए उसको इधर ले लो अब, क्योंकि माइनस का साइन है। अरे उसके हिसाब से ठीक है, तो यहाँ पे माइनस का साइन इधर कर लिए, यानी कि माइनस वेलोसिटी ऑफ। कोई दिक्कत? ये वाला जो है 400 है, हाँ ना, बोल दे भैया। ये 400, तो क्या ये भी 400? ये तो ऑलरेडी ये कितना है? ये 400 है, ये, अरे यार दोनों सब 400 हो गया, ये 300 ना, ये 300, तो ये भी, ये तो ऑलरेडी 400 दे रखा है। अब यहाँ पे टेन थीटा का फॉर्मूला लगा दो, तो परपेंडिकुलर अपॉन, या कॉस थीटा का फॉर्मूला लगा दो, कुछ भी लगा दे, कॉस थीटा का फॉर्मूला लगा दे, क्योंकि कॉस थीटा में ही परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस आएगा, उसी में आएगा कि साइन थीटा में आएगा? सोच लो अपना, साइन थीटा में आएगा कि उसमें आएगा? साइन थीटा में आएगा, साइन थीटा में आएगा, तो साइन थीटा रखोगे तो आंसर आएगा 3/4, या 10 थीटा में आएगा? अरे यार सोच लो, ये थीटा निकालना है बस, और क्या करना है? कुछ भी लगा ले, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा जो मन करे वो लगा लो यार, ठीक है? बात समझ में आ रही है? तो जो ये जो थीटा आएगा वो आएगा 37 डिग्री, ठीक है? अब अच्छा आ जाओ, 37 डिग्री आ गया थीटा, तो ये जो VPW cos थीटा होगा,
ये जो वी पी डब्ल्यू कॉस थीटा, अरे 37 कैसे आ रहा, समझ में आ रहा है ना, फॉर्मूला लगाए हैं, ऐसा नहीं कि 37 साला याद था पहले से, दो घंटा पहले से याद करके आया हुआ है ये 37 आएगा, लेकर निकाल लो वी पी डब्ल्यू कॉस थीटा। अब देख वी पी डब्ल्यू क्या है, वेलोसिटी ऑफ प्लेन विथ रिस्पेक्ट टू विंड, क्या 400 है, और कॉस थीटा यानी कि 37, कॉस थीटा यानी कि कॉस 37 की वैल्यू 4/5 उस, अरे देखो साइन 37 की वैल्यू जो होती है वो 3/5 होती है, कॉस 37 की वैल्यू 4/5 होती है, टेन 37 की वैल्यू क्या हो जाएगी 3/4 हो जाएगी, कोई दिक्कत, ठीक है लिख लो वो। अब देखिए कितना हो जाएगा, बोलो भैया ये जो भी आए निकाल लोगे कि नहीं, कैलकुलेशन नहीं करेंगे। टाइम ऑफ बी टू सी कितना हो जाएगा, डिस्टेंस देख कितना है 5 है, और किस वेलोसिटी से उधर जा रहा है, किससे जा रहा है, हो गया पक्की बात। अच्छा फिर आगे आ जाओ, अब देख इस पे जाने के लिए, अरे यार हम निकाल लो ना, समझ गए ना कि कैसे चल रहा है सीन, तो डिस्टेंस कितना है 5 है, उधर क्या देख, उधर विंड कितने से चल रही है 300 से, और प्लेन इधर 400 से, तो बचा कितना 100, तो 100 कोई दिक्कत। उसी तरीके से अब यहाँ पे भी डी टू ए जाना, इसको इधर है विंड, इधर है तो किधर जाए, वेलोसिटी ऑफ विंड इधर है, प्लेन का इधर है, तो क्या इधर थोड़ा सा होते हुए जाएगा, फिर से वही कर ले, यानी कि ये वाला थीटा निकाल लो, फिर उसके बाद ये जो आएगा ये वी पी डब्ल्यू कॉस थीटा है ये, उसके बाद ये जो होगा क्या कहते हैं, हाँ ये जो होगा 5/5 वी पी डब्ल्यू कॉस थीटा, लेकिन ये वाला नहीं होगा, वहाँ पे निकाल के चेक करो शायद डिफरेंट आ जाए, बात समझ में आ रही है। अब इन ये टाइम सबको जोड़ लो, कोई दिक्कत कर लो, इसी तरह होगा हर जगह, या वो एक पात दे देगा, या केवल एक पात की चर्चा कर लेगा, चाहे इस वाले पात की, 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 किसी एक पात की हम चारों डिस्कस कर लिए एक में, कोई दिक्कत कर लो। हेडिंग डालो रेन मैन प्रॉब्लम, हो गया कि और क्वेश्चन कराएं इस पे, हो गया हेडिंग डालो रेन मैन प्रॉब्लम। और यहाँ पे एक चीज़ देख लो, ये जो 37 डिग्री लिखे हैं ना, ये 37 नहीं आएगा, हमको लगा कि 37 आएगा, देखो हम समझा रहे हैं, यहाँ पे कॉस थीटा की वैल्यू आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है, सोचो ये 400 है, ये ऊपर वाला 300 है, तो ये कितना आएगा, पाइथागोरस थ्योरम लगा लोगे, ये पता है कितना आएगा, बोलो 500 आएगा, ये कितना है 400 है, 400 का स्क्वायर 16,000, अच्छा ये वाला 9,000, तो 16,000 में से 9,000 माइनस करोगे कितना, 7,000 का रूट अंडर रूट मारो कितना आएगा, क्योंकि अंडर रूट लेना पड़ेगा ना यार, ये हाइपोटेनियस, ये परपेंडिकुलर है, ठीक है कितना आएगा ये 100, तो बाहर 1,000 बाहर निकालोगे क्या, 10 बाहर आ जाएगा और अंडर रूट में 7 बचेगा, 70 बचेगा कि 7 बचेगा, 70 बचेगा, अच्छा यानी कि ये वाला 10√70 आ जाएगा, कोई दिक्कत, अच्छा यहाँ पे जो थीटा आया है, देखो थीटा हम कैसे बोल रहे थे, हमको लगा आ जाएगा इसीलिए डायरेक्ट लिख दिए थे, 10 थीटा का फॉर्मूला लगाओ यहाँ पे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, अच्छा परपेंडिकुलर का ये है, और बेस की तो वैल्यू ही नहीं दी है, नहीं समझे, बेस की कहाँ वैल्यू दी है, अरे अरे तो सामने दिख रहा है, तुम लोग को बोलना चाहिए ना, और अगर साइन लगाएगा साइन थीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर क्या है भैया, ये है, इसकी तो वैल्यू ही नहीं निकाले थे, अरे यार नहीं निकाले थे ना, ये तो सामने था, अब तुम लोग नहीं देख रहे हो तो हम क्या कर सकते हैं, लो बेवकूफ़ बनो, समझ रहे हो कि नहीं, लेकिन इसमें बेवकूफ़ बनने वाली कोई बात है नहीं, देखो देखो कॉस थीटा अब चाहिए, थीटा तो ये है सर, है थीटा, कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है बेस क्या है, ये है, ये पता है, और हाइपोटेनियस क्या है, क्या ये है, ये भी पता है,
ये जो है ये 10√70 नहीं है, अभी भी नहीं देख पा रहे हो, ये 10√70 है, ये तो 300 है ही यार, ये वाली लाइन। तो परपेंडिकुलर अपॉन कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, देखो लिख दे रहे हैं कॉस थीटा का फॉर्मूला। अरे बहुत छोटा सा मिस्टेक है ये, को अब समझ कर कैसे निकाल रहे हैं कॉस थीटा की वैल्यू। क्या होता है कॉस थीटा का फॉर्मूला, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस क्या है, ये बेस है 10√70, और हाइपोटेनियस क्या है, ये है, यानी कि ये अपॉन ये कॉस थीटा की वैल्यू आ गई। इसको क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत है? उसी तरीके से यहाँ भी करना है, कहाँ गया कहाँ गया, ये वाले में कोई दिक्कत, पक्की बात। अच्छा पिछले वाले में भी इस तरह का सीन था क्या, कुछ ऐसा गलती नहीं ना किए थे पिछले वाले में? पिछला वाला क्वेश्चन क्या था ना, पिछली क्लास में नहीं, अभी इससे पहले क्या लिखवाया है? कुछ नहीं है, बस यही है ना, तो समझ गया ना। बहुत सही, तो इस तरह एंगल में कंफ्यूज मत होना, हड़बड़ी में ये एंगल गलती लिखते हैं लोग, हकीकत होता है इस तरह वेक्टर में यहीं पे लोग फंस जाते हैं। इसमें कोई ऐसा एज सच कोई ख़तरनाक बात नहीं थी जो कि गलती वाली थी। आ जाओ बाकी सब कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, बस अब अपना एंगल निकालते रहना। आ जाओ आगे बढ़ते हैं, हेडिंग डालो रेन मैन प्रॉब्लम। ध्यान चला गया, नहीं तो पोपट हो गया होता तुम लोग का, घर जाके बोलती ये कैसे हो रहा है, ये कैसे हो रहा है। इसलिए थोड़ा सा देख भी लिया करो कि कहीं मास्टर गलत तो नहीं लिख दिया है, चेक कर लिया करो, नहीं तो छोटी सी गलती में तुम लोग बहुत परेशान हो जाओगे। आ जाओ हेडिंग डालो रेन मैन प्रॉब्लम। देखो वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ, कोई दिक्कत? अच्छा मान लो आदमी ऐसे जा रहा है, मस्त जा रहा है, ठीक है, रेन ऐसे गिर रही है, तो क्या वेलोसिटी ऑफ मैन इधर हो जाएगा क्या, जो ये आएगा क्या ये वी आर एम है? अरे यार इसमें कोई दिक्कत वाली बात, अरे यार मैन इधर जा रहा था माइनस लिए, इसके वजह से इधर घुमा लिए, हाँ कि ना, तो वी रेन की इधर है तो क्या वी आर एम इधर हो जाएगा? अब यहाँ पे नहीं कि आदमी ऐसे चलना चाह रहा है, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देख ये रेन की वेलोसिटी है, ये मैन इधर जा रहा है, मैन इधर नहीं उधर जा रहा है, लेकिन इस रिलेशन की वजह से क्या इधर घुमा लिए हैं, तो वी आर एम के डायरेक्शन में ही छाता पकड़ोगे, वी आर एम के डायरेक्शन में ही, अब यानी कि ऐसे नहीं पकड़ोगे छाता, उसके उल्टे साइड में पकड़ोगे, यानी कि छाता ऐसे पकड़ोगे, ये छाता पकड़ लिए, कोई दिक्कत? मतलब जिधर वी आर एम आ रहा है उसके उल्टा घुमा लो, छाता पकड़ लिए, अब चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, भीगोगे, ठीक है। इसी तरीके से भीगने वाला क्वेश्चन करेंगे हम लोग जब किसी के साथ जाओगे, ताकि उसको पानी, हाँ चलो आ जाओ। तो रेन मैन प्रॉब्लम ये है, बस यही कॉन्सेप्ट है, अब क्वेश्चन देख ले, इसके बाद हो गया आज ख़त्म है, ख़त्म, यही लास्ट टॉपिक है, लिख लो क्या मतलब क्या चाहते हो, और इसमें करें ज़बरदस्ती को, और टॉपिक थोड़े ना घुसाया जा सकता है। अब अगला चैप्टर पढ़ेंगे यार, लॉज ऑफ मोशन। लिख लो कुछ बात बताओ यार मोहित, इंटरेस्टिंग। आज चैप्टर खत्म है यार, बस दो क्वेश्चन इस पे निपटाएंगे, खत्म। थोड़ा सा कुछ बताओ इंटरेस्टिंग बात, क्या मम्मी बोल रही थी कल तुम्हारी जो छत पे बैठ के तुम सुन रहे थे, हो गया लिख लो। अब डेली पढ़ाई थोड़ी ना होगा, है कि नहीं यार? अब लॉज ऑफ मोशन शुरू होगा तो फिर मामला गर्म होगा, आज थोड़ा ना शुरू करेंगे, आराम से शुरू होगा कि क्या टेंशन ले रहे हो, सब है ना, ख़त्म होगा ना, हमको नहीं लग रहा कि मेरा कॉलेज खुलने वाला है इस साल, तो कोई टेंशन वाली बात, साल इसी साल में 12 भी निपटा देंगे, क्या कहते हो यार? 11th कर रहा ख़त्म करके 12 पर चलो, 11th का सिलेबस वैसे भी कहीं काम नहीं आने वाला, 11 में पास होने ही वाले हो बिना मतलब के, पेपर भी हो जाए 11 का तो क्या दिक्कत है, हम लोग क्या स्कूल से आगे चल रहे हैं कि पीछे चल रहे हैं? बहुत आगे चल रहे हैं, मतलब खेल ही ख़त्म है, शायद लॉज ऑफ मोशन तक पूछता है, लॉज ऑफ मोशन हमको लगता है 15-16 लेक्चर उसमें भी लगेगा। हाँ वॉल्यूम 1 11th में पढ़ा, हाँ वॉल्यूम 2 12 ना कई बुक अलग कर देते हैं, कई बुक जैसे देखो मेरे पास सिंगेज रखा है, तो 11th का 2 पार्ट है उसमें, मैकेनिक्स 1 अलग जिसमें रोटेशनल मैकेनिक्स तक है, और मैकेनिक्स 2 अलग जिसमें फ्लूइड बायंसी ये सब है,
फ्लूइड बायंसी मेरा सबसे सॉलिड पोर्शन है, सबसे ज़्यादा पढ़ने में मज़ा वही आएगा। वैसे ये भी ठीक है, सब ठीक है, बस केवल ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स छोड़ के, और ऑप्टिक्स और सेमीकंडक्टर बस मन ही नहीं करता है, बस बात ये है, क्योंकि इसमें हमको फील नहीं आता है कभी, और कभी पढ़ाया भी नहीं। हकीकत ये है, किसी कोचिंग में नहीं पढ़ाए आज तक, अभी तक पढ़ाए नहीं है कभी हम ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स और सेमीकंडक्टर, कहीं नहीं पढ़ाए। सेमीकंडक्टर पढ़ाए थे एक जगह, वो भी थोड़ा मोड़ा पढ़ाए थे, जबकि सेमीकंडक्टर है बहुत अच्छा टॉपिक, बहुत लंबा टॉपिक है। हकीकत है कि उससे कोई क्वेश्चन नहीं आता है, मतलब उतना क्वेश्चन नहीं आता है जितना डीप में ले जाके टीचर लोग पढ़ाते हैं। ये इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा है, पी से एन जा रहा है, एन पी पी एन, ये सब कहीं नहीं पूछता है, केवल सिंपल सिंपल सा पूछेगा। क्वेश्चन क्वेश्चन लिख दे रहे, दिमाग लगाते रहो, आ जाओ, फिर उसके बाद अपना दिमाग लगाते रहो, अपना बकवास किया जगह है कि नहीं यार मोहित। चलो देखो, देख वही वही रेन ऐसे जा रहा है 37 डिग्री पे, कितने पे रेन जा रहा है, मस्त जा रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अपना मैन जो है इधर जा रहा है कितने से, 5 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, कोई दिक्कत वाली बात, 5 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, ये 37 दे रखे हैं, अच्छी बात है। तुमको बताना कि छाता किस डायरेक्शन में पकड़ेगा, छाता की डायरेक्शन बताओ, लिख दे छाता की डायरेक्शन, छाता की डायरेक्शन किधर होगी बताओ, क्वेश्चन है लिख लो, छाता की डायरेक्शन किधर होगी, रेन कैसे गिर रहा है पता चल रहा है ना, रेन किधर चल गिर रहा है देख लो एक बार, डायरेक्शन समझ लो, रेन देखो कैसे गिर रहा है, क्या रेन जो है देख लो सुन लो, नॉर्थ इधर नॉर्थ है, इधर साउथ है, लेकिन इस पे बनाने में डिफरेंस आ रहा है, इधर ईस्ट, अगर मान लो इसको ऐसे पलट लो तो हाँ ठीक है, इधर वेस्ट, क्या रेन जो है नॉर्थ और वेस्ट में गिर रहा है, क्या यार क्या है, वाह ये जो होता है ये वर्टिकल प्लेन में, अरे हॉरिजॉन्टल प्लेन में रिप्रेजेंट करते हैं, और ये जो रेन है ये ऐसे गिरती है, हॉरिजॉन्टल से एंगल लेते हैं इसमें, इसमें कंफ्यूज हो गए नहीं ना कभी, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, बच्चे बोलते हैं कि ईस्ट साउथ के बीच में गिर रही है रेन, अबे ये तो हॉरिजॉन्टल प्लेन में होता है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट हॉरिजॉन्टल में होता है कि वर्टिकल में होता है यार, वर्टिकल में वाई एक्सिस से एंगल लेते हैं जैसे वहाँ लिए हैं, उसकी डायरेक्शन वैसे बोलेंगे, ऐसे नहीं कि रेन साउथ ईस्ट में गिर रही है ऐसे गिर रही है रेन, नहीं समझ रहे हो, इसका मतलब क्या कि रेन ऐसे गिर रही है, अबे ऐसे गिरेगी रेन ऊपर से आएगी ना, समझ गए ना, हाँ लिख लो, वो हैं ऐसे महान कलाकार अपने देश में, लिख लो, तुम्हारे बारे में चर्चा नहीं हो रहा है, कोई मोहित इससे हानि नहीं पहुंचेगा किसी मोहित को, तुम ही तो हाँ बोले, वो तो अटक गया था बेचारा बीच में सोचने लगा था, कर दो छाता की डायरेक्शन में, अरे बड़ी आसान है, तुम लोग सब कुछ बनाओ ना, और हमको वो भी देना पड़ेगा क्या, एक मिनट को तो रेन की भी वेलोसिटी देनी पड़ेगी क्या, अरे जरूरत पड़ेगा तब ना लोगे, जरूरत पड़ा है क्या, करो नहीं आएगा उसको एक्स मान लेना और क्या, और मोहित और बताओ, खत्म चैप्टर यार, कुछ हाल चाल मस्त है ना, अगर रेन की वेलोस 18 लेक्चर बन जाएगा, 16-18 लेक्चर नहीं आ रहा है, देखो हाँ, तब नहीं तो किताब लगाओगे नहीं जब तक समझ में कैसे आएगा, और देखो हम बता रहे हैं, देखो मान लो कि तुमको जो नहीं समझ में आ रहा है हमसे मत पूछो, तुम कॉपी खोल लो, जैसे मान लो रेन मैन प्रॉब्लम नहीं आ रहा है, एक बार कॉपी खोल के देख लो कि किस तरह से कराए हैं,
उसके बाद आ जाएगा। देख हम जो ये लिखे हैं उसको देखना, सब वेक्टर वेक्टर में बना रहे हैं। देखो ये जो है वेलोसिटी ऑफ रेन है, दिया नहीं है एक्स मान लो, ठीक है। अब मान ले हम ही से गलती हो गया या देना चाहिए रेन लेकिन नहीं दिए हैं, एक्स मान लो, क्या दिक्कत है? और डायरेक्शन बताना है, एक्स भी निकाल देंगे अगर मान लो आ गया तो, और नहीं आया तो, क्योंकि क्वेश्चन हम भी बनाए ही है, देख ले आ जा। मैन की वेलोसिटी क्या 5 मीटर पर सेकेंड इधर है, कोई दिक्कत इसमें? और जब हम लोग लिखते हैं वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन, इसमें कोई कष्ट वाली बात, कोई दिक्कत वाली बात? ये जो वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन है ना, ये यहाँ नहीं बना सकते हो, ये जब माइनस में लोगे ना मैन का, तब उसके बाद ये आएगा, इसमें कोई दिक्कत? इसीलिए बार बार पलट के हम, देखो हम हर बार क्या कर रहे हैं, क्या इधर घुमा के फिर इसके बाद ये वाला डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्योंकि ये वी आर एम आ रहा है। अब क्लियर हो रहा है ना बात, ये क्यों वी आर एम इधर दिखा रहे, समझ में आ रहा है? क्योंकि ये वी आर एम जो है माइनस ठोकने के बाद आएगा। अरे यार तो ये अब देखिए पैरेललोग्राम बन गया, तो इसका रिजल्टेंट तो यही होगा, कोई कष्ट? अच्छा सर ये वी आर इज इक्वल टू एक्स है, तो क्या ये वाला जो होगा ये थीटा एंगल मान सकते हो? तो ये वाला क्या होगा, क्या एक्स कॉस थीटा होगा? कोई कष्ट वाली बात? अच्छा सर ये 5 मीटर पर सेकेंड है सर, ये वी आर एम है सर, ये एक्स कॉस थीटा है सर, कोई दिक्कत वाली बात? अपने को डायरेक्शन चाहिए कि किस डायरेक्शन में पकड़ेंगे छाता की काम हो जाए। अच्छा सर यानी कि ये वाला एंगल चाहिए क्या अपने को, तभी तो बता पाएंगे कि किस डायरेक्शन में छाता पकड़ने वाले हैं। अब ये वाला एंगल क्या मान सकते हो, सोच के देखो, ये क्या एक्स कॉस थीटा आ गया, ये क्या वेलोसिटी ऑफ रेन जो कि एक्स दे रखा है, क्या ये वी आर एम है? सोच के देख ये वाला एंगल कैसे पता करोगे, सोचो। तो ये वी एक्स कॉस थीटा आ गया। अब इधर देख ये, रुक जाओ, ये जो है एक्स कॉस थीटा, ये एक्स साइन थीटा, अरे यार, और ये एक्स कॉस थीटा, ये वाला वी आर एम, ये वाला देख। अब देखना हम एक काम करने वाले हैं, 5 माइनस एक्स साइन थीटा इरेज कर दिए, कोई दिक्कत इसमें? कैसे सॉल्व की समझ में आया? क्या उधर वाला जो है इधर घुमा ली है क्या, क्योंकि उधर वाला रिजल्टेंट का इधर ले लिया है, अरे यार जो रेन की वेलोसिटी है, कोई दिक्कत इसमें? ये एक्स कॉस थीटा आ गया, ये आ गया, क्या ये वाला एंगल नहीं बता सकते हो? बता दो। अरे यार इसमें क्या कष्ट हो रहा है तुम लोग को, अरे ये बता सकते हो कि नहीं बता सकते हो? अब थीटा निकाल लो ना, अब ये नहीं बताएंगे साला हम भी। एक्स ये थीटा आप चाहिए, या थीटा की जगह थीटा तो ले चुके हो ना, यहाँ पर कुछ और अल्फा मान लेते हैं, अब अल्फा निकाल लो। अब सोच के देख अल्फा निकल जाएगा, एक बार निकालो अल्फा, पहले ये लिखो फिर उसके बाद दिमाग लगाओ अल्फा पे, अल्फा लगाओ साला, हमको एक वैल्यू तो देना नहीं भूल रहे ना, फिर से एक बार सोच लें। अरे प्रभु लो गजब के आदमी, यही बोल रहे हैं कोई वैल्यू, यहाँ 37 लिखे हैं ना तो बताना चाहिए यार, लिखे तो हैं 37 यहाँ पे, वही हम बोल रहे हैं कि साला ये चूक क्यों रहा है। अरे हमको वैल्यू चाहिए थी इसकी, हमको वो वैल्यू नहीं दिख रही थी थीटा की। देखो यहाँ से, यहाँ जब हम थीटा लिखे वैल्यू कहीं से दिख रही है थीटा की? अरे लिखे तो हैं 37, बताओ ना सर 37 लिखे हैं, आज मस्ती के मूड में हम एकदम बढ़िया मस्त, खत्म हो गया चैप्टर, हमको उस चीज़ की खुशी है, तो ध्यान दो थोड़ा सा। अरे 37 लिखे ना बबुआ लोग, तो 37 यहाँ लिखोगे कि नहीं तुम लोग? वही हम बोल रहे हैं, वैल्यू छूट रहा है क्या कोई एक साला? नहीं तो देखो एक, अब यहाँ रख ले वैल्यू, वही हम बोले इसकी वैल्यू क्यों नहीं आ रही कहीं से? फिर हम सोच रहे थे कि रेन की वेलोसिटी देनी पड़ेगी क्या यार? देख अब देख आ गया, एक्स कॉस थीटा रखोगे, अब इसको थीटा मानो, ये थीटा है, या कोई दिक्कत नहीं है कि इसको थीटा मान लोगे तो क्यों अपशगुन हो जाएगा? ऐसा नहीं है, ये 37 दे रखा है इसलिए थीटा मान लिए थे, तो उसको अल्फा मान लिए थे। अगर मान लो 37 नहीं भी दिया हो, थीटा ही दिया हो मान लो, लेकिन हम ऐसा बनाए थे कि हमको वैल्यू चाहिए थी, जब हम क्वेश्चन फ्रेम किए थे तो हमको पता याद था दिमाग में कि वैल्यू आ जाएगी लास्ट में, क्यों इसीलिए 37 यहाँ लिख दिए थे, बात समझ में आ रही है ना? लेकिन फिर जब नहीं आ रहा था तो हम सोचे साला सोचे क्या थे तब हम कि वैल्यू आ रही है, मेरा कन्फ्यूजन क्लियर हो रहा है कि नहीं? क्वेश्चन कैसे फ्रेम किए ये याद समझ में आ रहा है कि नहीं? इसीलिए हम अटक गए थे यहाँ पे, देख रहे थे थोड़ा सा रुक रहा था कि साला वैल्यू क्यों नहीं आ रहा है, हम तो वैल्यू लेके सोचे थे स्टार्टिंग में। लेकिन अगर मान ले वैल्यू नहीं भी दिए, मान ले 37 नहीं दिए,
क्या इसको थीटा नहीं मान सकते हो यार, इस वाले एंगल को? क्या इसको अल्फा नहीं मान सकते हो यार? क्या अल्फा के लिए फिर क्या टेन अल्फा या कॉस अल्फा या साइन अल्फा जो मन करे वो लगा सकते हो यार? फिर अल्फा की जगह साइन इनवर्स डाल सकते हो यार? क्या वहाँ पे दो दो वेरिएबल्स आ जाएंगे, एक्स भी वेरिएबल आ जाएगा, थीटा भी वेरिएबल आ जाएगा? लेकिन हम इस तरह से फ्रेम किए थे क्वेश्चन की वेरिएबल केवल एक आएगा और उसका भी आंसर हम लोग पता करेंगे। यहाँ रेन की वेलोसिटी नहीं दी है, उसका भी आंसर तुम लोग पता कर सकते हो, कोई दिक्कत? अच्छा आ जाओ देख, एक्स कॉस थीटा माइनस फाइव एक्स साइन थीटा, ये वाला जो हो जाएगा थीटा हो जाएगा। सोच के देख, कॉस थीटा की वैल्यू यानी कि कॉस 37 की वैल्यू क्या 4/5 यार, मतलब क्या ये वाला वैल्यू क्या 4/5 हो जाएगी? कन्फ्यूजन समझ में आया कि नहीं? यूट्यूब आपको भी समझ में आ गया होगा, नहीं आया होगा 50 बार स्क्रॉल करके एक ही चीज़ देखो, क्वेश्चन फ्रेम करना सीख जाओगे। आ जाओ देखो, ये देख साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, 3/5, क्या यानी कि क्या एक्स 3x/5, कोई दिक्कत? अब देख टेन थीटा चाहिए, क्या चाहिए? टेन थीटा, टेन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी यार? अब रुक जाओ, हाँ आ जाओ, टेन थीटा इज इक्वल टू, ये थीटा है तो ये तो अपना ये है, तो ये क्या है? परपेंडिकुलर है ये, यानी कि 5 - 3x/5, और बेस क्या है सर? क्या ये 4x/5? क्या 5 से 5 कैंसिल हो गया सर? क्या ये 5/4x बचा? हाँ ना, बोल दो क्या आंसर? थीटा आ गया, कोई दिक्कत? अच्छा सर थीटा आ गया, कोई कष्ट वाली बात? बस हो गया, डायरेक्शन बतानी थी, थीटा निकाल लो, हो गया, एक्स की वैल्यू नहीं दी है, कर लो। नहीं समझे? वो थीटा कुछ भी बदल सकता है, लेकिन अगर मान लो शुरुआत में ही दे दिए होते हम, जैसे मान लो यहाँ एक्स की वैल्यू नहीं आ रही है, तो थीटा क्या हो जाएगा? थीटा डायरेक्ट लिख लो, कोई दिक्कत नहीं इसमें, थीटा डायरेक्शन क्या होगी छाता की? थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स 5 - 3x/4x, कोई दिक्कत? ले अब यहाँ पे मान ले ये x क्या है, क्या ये रेन की ही वेलोसिटी क्या x माने हैं? क्या अब रेन की वेलोसिटी अगर दी होती तो क्या x की जगह वैल्यू पुट हो जाता और क्वेश्चन थीटा की वैल्यू एकदम स्टैंड एकदम आ जाती? लेकिन अगर यहाँ वेरिएबल दिया, कोई दिक्कत वाली बात? अब x की जगह कुछ भी पुट कर सकते हो, लेकिन अगर मान लो x के लिए जुगाड़ दिए होते कुछ कि x की वैल्यू निकालने के लिए जुगाड़ दे रहे, इसी में थोड़ा सा बढ़ा रहे हैं क्वेश्चन, हम जो हम वैल्यू नहीं निकाल पा रही थी वो वैल्यू निकाल रहे हैं, चाहे तो हम x डायरेक्ट दे दें ये सॉल्व हो जाएगा, लेकिन अब हम कोशिश करेंगे x डायरेक्ट ना दे, x घुमा के देंगे। देखो कैसे घुमा के दे सकते हैं हम, पहले से यहाँ पे छाता की डायरेक्शन पूछी थी, देख छाता की डायरेक्शन आ गई है, कोई दिक्कत? और इसी तरह हर जगह सॉल्व होगा, अरे यार इसी तरह छाता की डायरेक्शन आएगी। लेकिन अगर बोल दे कि रेन की वेलोसिटी बताइए, दूसरा पार्ट मान लेते हैं, ये लिख लिए कि नहीं पूरा? अच्छा रुक जाओ, छाता की डायरेक्शन निकाल लियो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, कंफ्यूज मत होना, लास्ट तक बस साथ में रहना, समझ में आ जाएगा कि कहाँ मास्टर चूक रहा था। मेरे क्वेश्चन बनाने की वजह से तुम लोग हर बार फंसते हो जब क्वेश्चन हम गलत बना देते हैं। आ जाओ देखो, मान लो हम पहले से बोल दिए कि ये जो अपना छाता है, ये छाता है ये 45 डिग्री पे है। अब यहाँ पे देखा जाएगा, सोच के देखो, क्वेश्चन पूरा वही था, बिल्कुल सेम। देख ये वाला जो कंपोनेंट आया था, ये वाला कंपोनेंट तो 5 - x sin 37 की वैल्यू 3/5, कोई दिक्कत? और ये वाली वैल्यू क्या थी? x cos 37 की वैल्यू 4/5। अब ये हम पहले से बोल रखे कि ये 45 है, तो क्या ये भी 45 होगा यार? कोई दिक्कत? अब सोच के देख, ये वाला कंपोनेंट इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ये जो थीटा है ये 45 आ गया है। अरे यार टेन थीटा, रुक जाओ फिर से देख लो, टेन थीटा यानी कि 10/45 यानी कि 1, कोई कष्ट वाली बात? अच्छा ये जो है 5 - 3x/5 है, तो क्या ये भी 5 - 3x/5 है? और ये तो दे ही रखा है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर क्या ये है? दैट इज 5 - 3x/5, और ये क्या है? 4x/5। सोच के देखिए इधर आ गया, यानी कि 4x/5 इज इक्वल टू 5 - 3x/5, हाँ ना बोल दे, क्या x की भी वैल्यू आ गई? समझ में आ गया, यानी कि x हम डायरेक्ट भी दे सकते थे और x की वैल्यू क्या ऐसे करके निकलवा भी सकते हैं, कोई कष्ट? तो वो क्वेश्चन अलग था, ये क्वेश्चन अलग है। बात यह कि हमको इस उसी में दोनों मिलाना था, लेकिन हम मिला नहीं पाए, सोचे थे कि मिल जाएगा लास्ट में, लेकिन एक वैल्यू की वजह से चूक गया है। ठीक है, अब समझ में आया कि नहीं? क्या अगर मान ले मैग्नीट्यूड पूछ ले रहे इनकी, तो वो क्वेश्चन वाला फ्रेम जब करेगा तो सब समझ, वो समझदार होगा, हम ही समझदार हैं,
वो दिमाग से सरक गया है, बात समझ में आ रही है? हाँ, तो कोई कंफ्यूज नहीं ना हो रहा हो, बिल्कुल साफ जा रहा है ना। अब देख इसी पे थोड़ा सा बदल के देंगे हम, लिख लो पहले इसको, इसको भी लिख लो, ऐसे स्टार बना के लिखना, ये वाला स्टार बना के लिख लेना, और लिख लेना कि मास्टर के गलती की वजह से हुआ है हम लोग के साथ ये सब, ऐसे स्टार बना के लिख लेना ताकि वहाँ पे क्लियर हो ये बात जो हम बोले हैं। वहाँ पे लिख जरूर लेना कि मास्टर के गलती की वजह से हुआ है ये सब। YouTube आप भी कंफ्यूज मत होइएगा। हो गया? हो गया? देखो अगला क्वेश्चन, देखो देखना, बेवकूफ बनाएंगे अगले क्वेश्चन में, देखते रहना। क्वेश्चन देख के पता चल जाना चाहिए कि सामने वाला बेवकूफ बना रहा है। क्यों बोल रहे हैं? देखना, देख 37 डिग्री पे रेंज जा रही है कि जा रही है, जा रही है रेंज, आ जाओ देखो अगले क्वेश्चन में बेवकूफ बनाने वाले हैं, पहले से तैयार रहना। देखते ही पता चल जाना चाहिए, हमको बताना, हम पूछेंगे, दिमाग लगाते रहना लिखते ही समय। देख एक मस्त आदमी है अपना, कौन आदमी है? मस्त आदमी है, 5 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से या 5 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से इधर जा रहा है, और रेन जो है नीचे की तरफ गिर रही है 3 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से। बताओ किस डायरेक्शन में छाता पकड़ेगा कि रेन से बच जाएगा? डायरेक्शन ऑफ छाता बताओ क्या होगी, डायरेक्शन छाता की? कोई बता पाएगा कि क्या बेवकूफ बनाया है? वहां पे रेन की डायरेक्शन दे दिए थे, यहाँ पे छाता की डायरेक्शन दे दी है, क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। वहां पे उसको ऐसे कर दिए थे, यहाँ पे इसको ऐसे कर दिए हैं, अभी भी क्वेश्चन सेम है। नहीं समझे, लिख ले फिर कर ले, बिल्कुल सेम है, समझ में आता है, ठीक है। वेक्टर वेक्टर खेलो तुम तो, सारे वेक्टर को एक जगह ला के चेक करो कि क्या बोल रहा है मास्टर। डायरेक्शन बताना, थीटा बताना, बहुत आसान है, रेन का भी दे दिए, वो भी दे दिए, सब कुछ दे दिए। मन मस्त मगन, मस्त मगन बस तेरा नाम दोहरा। देखो देखो देखो, रुक जाओ, हम कर रहे हैं इस क्वेश्चन में, सीख जाना कि कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। डायरेक्शन यहाँ पूछा है, सोच के देख, वहाँ पे ब्रेन की मैग्नीट्यूड नहीं दिए थे, इस बार दे दिए, ताकि बकवास ना हो जाते, और सीख लो कि कैसे करते हैं। ऐसे आ जाए, कहीं भी चला दे, वो पागल हो जाए, चलाता रहे, कहीं भी चलाता रहे, डायरेक्शन बतानी है, सारे वेक्टर को एक जगह ला के समेट लो, सारे वेक्टर की पैरेलल शिफ्टिंग करा के एक पॉइंट से सबको जोड़ दो, सब बात समझ में आने लगेगी। देख हम जोड़ रहे हैं, 3 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से क्या रेन नीचे जा रही है? हाँ ना बोल दे भैया, जा रही है, अच्छा सर, 3 से नीचे जा रही है, मीटर पर सेकंड बार बार नहीं लिखेंगे। क्या ये इधर जा रहा है, एकदम एक्टिव रहना मोहित, तुम्हारा एनर्जी डाउन लग रहा है मोहित, हाँ तुम नहीं बोलोगे तो कैसे हम जिएंगे? 5, कोई दिक्कत? देख सारा एक पॉइंट पे लाके जोड़ रहे हैं, अच्छा। वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन इज वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। क्या अब ये चाहिए इसको पाने के लिए? क्या इसको घुमाना पड़ेगा? क्या इसको ऐसे घुमा दिए? क्या ये 5 हो गया? अच्छा ये 5 हो गया सर, ये 5 हो गया सर, अच्छा सर। क्या ये वाला जो था, क्या ये 37 था ऑलरेडी? क्या ये भी 37 है ऑलरेडी? ये 3 है, ये 5 है, ये वाला क्या, ये वाला जो कंपोनेंट, ये 37 है, ये वाला कितना आएगा? ये वाला, अरे यार बोलो, ये 37 है कि नहीं है? ये वाला ऊपर वाला कितना हो जाएगा? अरे यार कंपोनेंट तोड़े हैं, ये 5 sin, ये 5 cos 37, ये 5 sin 37, ये कितना है? अरे भैया लोग, ये 5 sin 37 है कि नहीं है? अरे 5 cos 37 है कि नहीं है? cos 37 की वैल्यू बोलो, 4/5, क्या 4 हो गया? अच्छा ये इसकी वैल्यू बोलो, इसकी 3 होगा, अच्छा रुक जा, इसको जो घुमाए ये तो VRM है, रुक जा, माइनस एम करना है,
माइनस एम करना है, दोनों के कंपोनेंट को घुमा लो, क्या ये इधर हो जाएगा चार? क्या उसको उधर लेके आएंगे तो क्या ये नीचे की तरफ ऑलरेडी माइनस तीन है? क्या फिर तीन जब नीचे आएगा तो फिर माइनस तीन आएगा? क्या ये छः हो जाएगा यार? समझ में आया कि नहीं कैसे किए? देख माइनस एम करना था, माइनस एम डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं, हम डायरेक्ट कर दिए थे ना, नहीं कर सकते हैं क्योंकि कंपोनेंट तोड़ के फिर उन कंपोनेंट्स को करना है। अरे यार, क्योंकि एक्स में भी है वाई में भी है, तो एक्स वाला भी देखना वाई वाला भी तो देखना है, दोनों तो देखना है, जहाँ कंपोनेंट ब्रेक हो वहाँ डायरेक्ट नहीं घुमाना है, दोनों का कंपोनेंट करके फिर घुमाना है। पहले कंपोनेंट तोड़े चार तीन कोई दिक्कत, फिर उसके बाद घुमा दिए, देख चार को भी घुमा दिए तीन को भी घुमा दिए कोई दिक्कत। ये वाली जो है क्या ये नीचे की तरफ जितनी वेलोसिटी लग रही है सब लिख दी है, क्या इधर की तरफ जितनी वेलोसिटी हो रही है सब लिख दे रहे हैं, क्या ये वाला जो है रिजल्टेंट आ चुका है, क्या ये वाला एंगल 37 डिग्री है कि क्या ये वाला एंगल 37 डिग्री है, क्या ये वाला एंगल थीटा है, ये तो कुछ भी हो सकता है यार, ये वर्टिकली अपोजिट तब होता है जब ये इक्वल हो, ये तो कुछ भी हो सकता है, थोड़ा सा स्लाइट हो सकता है। मास्टर का दिमाग घूम चुका, अरे समझ में आ रहा है ना, ठीक है गलती होगा समझ जाओगे, सारे वेक्टर को पहले क्या किए एक जगह लाए कि नहीं लाए, हम सेटिस्फाई नहीं हो पा रहे हैं साला, क्योंकि गलती हो जा रहा है बार बार, पेन चलने से गलती हो जा रहा है, क्या इक्वल आ रहा है? जरूरी है क्या कि ये एकदम इसके एकदम एग्जैक्ट आए? ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसा जरूरी ये ऐसा नहीं कि वर्टिकली अपोजिट हो जाएगा, ये 37 तो ये भी 37 लो साला, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है यार? तो ये 6 ये 4 ये 6 10 थीटा की फॉर्मूला लगाओ, परपेंडिकुलर अपॉन, हाँ परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये 4 ये 6 तो परपेंडिकुलर का ये बेस क्या ये, यानी कि 4 अपॉन 6 यानी कि थीटा इज इक्वल टू 10 इनवर्स 2 बाई ना, अरे डायरेक्शन चाहिए, डायरेक्शन निकाल लिए ना, समझ में आया कि नहीं यार कैसे किए? क्या ये जो बीच में था इसका कंपोनेंट करके घुमाओगे कि नहीं घुमाओगे? क्यों घुमाओगे समझ में आ रहा है? क्योंकि कंपोनेंट पहले ब्रेक तो होगा, अरे यार तब तो घुमाओगे, वहां पे सोच के देख रेन था और रेन का कंपोनेंट नहीं घुमाना है इस फॉर्मूले की वजह से, क्योंकि VRM चाहिए तो कंपोनेंट इसका घुमाना पड़ेगा, माइनस अगर उधर है तो इधर करना पड़ेगा, इधर है तो उधर करना पड़ेगा, बात क्लियर हो रही है? लिख लो, खत्म, टाटा बाय बाय, जाओ एंजॉय करो, हो गया काइनेमेटिक्स खत्म, यूट्यूब काइनेमेटिक्स खत्म, आज टीचर प्रसारण कर दिया था, लेकिन सारी बात क्लियर की है कि कहाँ कहाँ गलती की है, क्या क्या गलती की है, ठीक है? इसलिए बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, और गलती से सीख भी जाओ कि क्या कैसे बना रहा है मास्टर क्वेश्चन, क्वेश्चन खुद से बनाओ यार, वैल्यू नहीं पता है, बस पता होना चाहिए कि जो वेरिएबल है दो तीन वेरिएबल साथ में ना आ जाए ताकि सबकी वैल्यू पता चल जाए। अब मेरा कोई दिक्कत नहीं है, वेरिएबल अगर मान लो आ भी गया तो हम बोल देंगे कि बस अगर वैल्यू रख लो पुट कर लो सॉल्व हो जाएगा, क्वेश्चन वाला वैल्यू दिया रहेगा, तो हम बिल्कुल स्टैंडर्ड क्वेश्चन दिखा रहे हैं जिससे बाकी सारा क्वेश्चन सॉल्व कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसी तरह का क्वेश्चन पूछता है खूब ढेर सारा, बेवकूफ बनाता रहेगा, इसी तरीके से वो था तीन तरह का पढ़े हो तीनों एक जैसा है बस, और कुछ नहीं आता है। अब उसके बाद मान लो इस तरह से कहीं कुछ आता रहे तो अपना सॉल्व कर लेना, हो गया बस काइनेमेटिक्स खत्म, अब कुछ नहीं है। एक टर्न देखेंगे क्वेश्चन, अगर मान लो मेरा मन हुआ तो कल कराएंगे क्वेश्चन, नहीं तो फिर लॉज ऑफ मोशन पे पढ़ जाएंगे और वो यूट्यूब पे आ जाएगा अगर हम कराएंगे तो। अच्छा अच्छा क्वेश्चन अगर सजा लिए तो यूट्यूब पे भी आ जाएगा, तुम लोग को तो मान लो कराएंगे ही, यूट्यूब पे भी आ जाएगा, अगर नहीं कराएंगे तो काइनेमेटिक्स खत्म, बस हो गया कुछ और नहीं है, हो गया टॉपिक खत्म सारा। हाँ तब क्या करोगे, और कुछ नहीं कर सकते हो आप लोग, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, काइनेमेटिक्स खत्म हो गया है, अगले टर्म पे लॉज ऑफ मोशन पढ़ेंगे, ठीक है बाय।